हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 1 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है और ज्योग्राफी का आपका जो पेपर होना है वो 3 फरवरी को होना है। अभी आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो प्यारे बच्चों अभी ऐसे में आप लोग को उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर, मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का वीवीए गैस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो आपके यानी एग्जाम में आपको हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक करना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है। ठीक है, चलिए, तो दरबीर हो गया, ऑस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय, चीनी, तिब्बती। तो आपको बताना इसका आंसर जो होगा आपका, यानी प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो हम लोग जानते हैं चीनी तिब्बती जो है सबसे ज्यादा यानी कम है। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो था कितना था, 121 करोड़ था, 102.8 करोड़ था, 118 करोड़, 131 करोड़। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए भारत की जनसंख्या का, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 121 करोड़ होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अभी जो अभी वर्तमान में जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो कौन सा, वो अपना भारत है, और पहले तो चीन था, लेकिन चीन को पछाड़ करके अभी चीन जो है दूसरा नंबर पे आ गया, भारत अपना एक नंबर पे आ गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल आगे देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अगर कारक माना जाता है स्थलाकृति, बिल्कुल भी नहीं, मिट्टी नहीं, प्राकृतिक वनस्पति नहीं, जलवायु जो है सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कारक माना जाता है यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। ठीक है जी, आगे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी मेगालोपोलिस जो है कौन सा, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता या चेन्नई। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी आंसर क्या हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं मेगा सिटी जिसको हम लोग कहते हैं जो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वाला वो कौन सा है, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका जो आंसर यानी क्या हो जाएगा जी। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, मुंबई जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है, और क्यों, इसलिए क्योंकि वह वित्त राजधानी है, बहुत तरह की जो है वहाँ मतलब यह सुविधा है, पर्यटक स्थल वगैरह सारा इन चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है। ठीक है, रोजगार वगैरह के भी तलाश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जाते हैं, या फिर भी इंडस्ट्रीज वगैरह सारा चीज इन चीजों को लेकर के जो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे आपको बताना चाहिए, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, तो बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग जानते, देखिए अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सबसे अधिक बात किया जाए तो अपना बिहार का है। आप लोग सभी बच्चों को पता होगा कितना, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं, और सबसे कम जो है कितना है, अरुणाचल प्रदेश का है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना था, बताइए 10.40 करोड़, 41 करोड़ जाएगा, 11.41 करोड़ जाएगा, 9.61 करोड़, या आपका 8.51 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपको बिहार का बताना है, तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, हम लोग जानते हैं 10.41 करोड़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से ऐसे यानी किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल या आपका महाराष्ट्र। हम लोग जानते हैं सबसे जनसंख्या वाला जो सबसे ज्यादा राज्य वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या वाला, तो सभी को पता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो राजस्थान होगा, और सबसे कम कहाँ पे है ये भी आपको बताना चाहिए, सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया तो 1126 बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी जस्ट आपको बताया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहलाता है, कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए ब्राजील के कॉफी बागान को जो है क्या कहा जाता है, तो सबको पता है कि ब्राजील के कॉफी बागान को जो है फेजेंडा कहा जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से यानी कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो रबर होगा, केला होगा, चाय होगा, इनमें से सभी। तो यहाँ एकल कृषि की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं एकल कृषि रबर भी होगा, केला भी होगा, चाय भी होगा, इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग इनमें से सभी दिए हैं। बिल्कुल देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से जो कौन तृतीय क्रियाकलाप है। देखिए हम लोग जानते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप की अगर बात करें जो हमें सेवा प्रदान करता है, खेती जो आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में होगा, ये नहीं होगा, व्यापार जो, हाँ बिल्कुल ये सेवा प्रदान करता है, तो ये भी जो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कॉफी उत्पादन का राज्य कौन सा है, कर्नाटक, बिहार,
उड़ीसा एंड पंजाब। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो है कॉफी उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है, वो कर्नाटक करता है। और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों कर्नाटक जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर जो है स्थित है बताइए, कौन सा राज्य इनमें से जो है चीन की सीमा पर स्थित है, असम हो जाएगा, गुजरात, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो सभी को पता है कि चीन की सीमा पर स्थित जो है कौन सा है, वह अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, मैकमोन रेखा। मैकमोन रेखा भी जो कहां पे अरुणाचल प्रदेश में, भी ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, आपको बताना। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सभी को पता है कि यानी मात्रात्मक क्रांति जो है क्या, यानी मानव भूगोल का उपागम नहीं है। और इसका आंसर आप लोग अच्छी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब हुई थी बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन। 2001 बिल्कुल नहीं, 1911 है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 को हुआ था। कहां से चला था, दिल्ली से लाहौर तक, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 1911 को हुआ था। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे किस वर्ष से भारत रेल की शुरुआत हुई थी, तो बिल्कुल आप लोगों को बताना। 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया, सभी को बताया कि 1853 को जो है यानी स्टार्ट हुआ था, यानी किस वर्ष भारत रेल की शुरुआत हुई थी, 1853 को हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। कितना किलोमीटर तक चलाया गया था, 34 किलोमीटर तक चला गया था, कहां से, मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सा पेय फसल है, तो इनमें से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो कौन सा यानी पेय फसल है, तो सबको पता है चाय एक पेय फसल है, कॉफी भी एक पेय फसल है, ये दोनों बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है बताइएगा। पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो गोरखपुर हो जाएगा, या आगे देखिएगा इलाहाबाद होगा, आपका भुवनेश्वर या आपका हाजीपुर। तो सबको पता है यानी पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो हाजीपुर जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए विजयनगर लोह इस्पात केंद्र की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में होगा, इसका आंसर आप लोग का राइट होगा। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, बोकारो मध्य प्रदेश, बोकारो बिल्कुल नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा, क्योंकि बोकारो जो है बिल्कुल हम जानते हैं कहां पे, झारखंड में, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, झाड़िया कोयला किस राज्य में स्थित है, तो झाड़िया कोयला चलते हम लोग सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो झाड़िया में पाया जाता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये कहां, झारखंड, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोचिश पतन जो अवस्थित है ये कहां पर अवस्थित है, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। तो बताइएगा कोचिश पतन की अवस्थित की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि कोचिश पतन जो आपका यानी कहां पे होगा, केरल, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना, हल्दिया पोतोसराय जो कहां पे है, उड़ीसा में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल्दिया पोतोसराय की बात हो रही है तो मैंने कई बार आपको बताया था हल्दिया पोतोसराय कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, और बिल्कुल इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 देखिएगा प्यारे बच्चों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, तो चाय उत्पादन में कौन सा राज्य जो है सबसे, कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए चीन जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आई थिंक भारत होना चाहिए, भारत होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत होगा, लेकिन अभी चीन जो है तो पहले के बुक में भी प्रिंटेड आपको दिखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, तो खनिज तेल सबसे ज्यादा जो उत्पाद करता है वो कौन सा देश करता है, अमेरिका बिल्कुल नहीं करता, रूस भी नहीं। हम लोग जानते हैं सऊदी अरब जो है पेट्रोल के बिल्कुल जो है वो काफी जो है मतलब वहाँ जो उत्पाद होता है, और आपको जैसे हम लोग के इधर पानी मिलता है उसी तरह जो वहाँ यानी पेट्रोल उतना ही सस्ता में मिलता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि जो खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है, तो खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो कहाँ पे की जाती है, तो भूमध्य सागर कृषि, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी जो है इसका आंसर परफेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन लोह अयस्क की किस्म नहीं है, तो बताइएगा इनमें से जो है लोह अयस्क की किस्म जो है कौन नहीं है, मैग्नेटाइट होगा, हेमेटाइट या लिग्नेटाइट या साइडेराइट। तो हम लोग जानते हैं लिग्नेटाइट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से जो है कौन यानी रोपण फसल नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है रोपण फसल नहीं है, आप लोग को बताना है। ठीक है, सबको पता है कि रोपण फसल जो है रबर है, रोपण फसल चाय भी है, गन्ना भी है, लेकिन गेहूं नहीं है, ये खाद्य फसल है, और इसका आंसर आप लोग का डी पर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मैकिस्को में स्थानांतरित कृषि प्रथा की प्रथा को क्या कहते हैं, देखिए मैकिस्को में जो स्थानांतरित कृषि को जो है मिलिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिलिया जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा जो है उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं लोह तथा इस्पात उद्योग जो है सबको यानी आधार प्रदान करता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से जो कौन सा यानी उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए आधारभूत उद्योग जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा बहासरौतीकरण सहायक जो है किसमें है, 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना, ये जो होगा दक्षता सुधारने में भी होगा, उसके बाद देखिएगा विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में भी, कीमतों में घटाने में भी, उपयुक्त में से जो आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कहां पे है बताइएगा, तो मैंने कई बार आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो होगा जामनगर, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जामनगर जो है कौन सा राज्य में पड़ता है ये बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताइएगा लोहरदगा के लिए आपको बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो बॉक्साइट के लिए जो है लोहर दागा बिल्कुल प्रसिद्ध है और इसका आंसर आपका बॉक्साइट जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में जो महाद्वीपों में से किससे जो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो बताइए विश्व व्यापार सबसे अधिक प्रवाह जो होता है यूरोप से होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, एसन जो है कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, एसन के बारे में बताना, और एसन जो है आपको बताना जर्मनी में स्थित है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों में पठारों पर किस प्रकार की जो है व्यवसायी जो है की प्रधानता रहती है, तो हम लोग जानते हैं पर्वतों और पठारों पर जो किस प्रकार की घर बनाया जाता है, तो बिल्कुल आपको सीढ़ीनुमा आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको यहाँ क्या पूछा गया प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो ये बिल्कुल व्यापार का रहता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जितने सारे बच्चे आप लोग जेनेवा बता रहे बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न व्यापार समूह में जो भारत किसका एक सदस्य है, तो बिल्कुल देखिएगा साफ्टा का सदस्य है। जो साफ्टा का स्थापना आप लोगों को पता है कब हुआ था, 2004 को हुआ है या 2006 को हुआ है, कमेंट करके बताइए। और आपको पता है इसमें से जो है किसका यानी सदस्य है, तो बिल्कुल हम जानते हैं साफ्टा का है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो ग्रामीण में जो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो सबको पता है कि गुच्छित भी बस्तियां ग्रामीण पाया जाता है, यानी घना भी घर जो है देखने को मिलेंगे वहां, अर्धगुच्छित यानी थोड़ा थोड़ा दूरी पर जो भी घर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा आप करेंगे पल्लकित भी आपको घर देखने को मिलेंगे, यानी उपयुक्त में से सभी यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, जल जिस क्षेत्र में जल ज्यादा होता है जिस क्षेत्र जिस इलाके में, तो वहां जो है किस प्रकार की यानी प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है वो किनको कहां से, तो हम लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे, तो सर्वाधिक जो आया था वो बांग्लादेश से आए थे, कहां से आए थे बांग्लादेश प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइएगा, तो ध्वनि प्रदूषण उद्योग होगा, मोटर वाहन होगा, लाउडस्पीकर या उपयुक्त में से सभी, तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत की अगर बात किया जाए उद्योग होगा, मोटर वाहन होगा, लाउडस्पीकर यानी उपयुक्त में से सभी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें को मिलता है, तो किसको कहां से मिलता है राष्ट्रीय नंबर 4 जो है आपको कहां से कहां मिलता है, तो सबको पता है चेन्नई को मुंबई से मिलता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर पूर्व पश्चिम गलियारे जो जोड़ता है वो कहां से, तो सिलचर को पोरबंदर से, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सी है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रदूषित जो नदी आपको पता है यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, और भारत का सबसे लंबा नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा जो है भारत का सबसे लंबा नदी है। क्वेश्चन देखिए 48 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन जो है एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, तो उत्तर पूर्व भारत का दक्षिणतम अगर राज्य की बात किया जाए तो त्रिपुरा आपको बताया, ये आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भारत में सर्वाधिक जो है जन वृद्धि की अवधि क्या थी, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि भारत में यानी कौन सा था, बिल्कुल आपको था 1991 से 2001, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है अशिक्षित था, तो बिल्कुल आपको पता 35%, बिल्कुल याद रखना 35% यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में जो है किस राज्य की जनसंख्या जो है घनत्व न्यूनतम है, तो हम लोग जानते हैं जो है अरुणाचल प्रदेश का सब्जेक्ट कम है, मैंने अभी जस्ट आपको क्लास में बताया, सबसे अधिक बिहार का है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जो है भूमि जल उपयोग जो है परसेंट जो है कुल भूमि जल का संभावित से ज्यादा है, तो ये बिल्कुल आपको पता तमिलनाडु जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु जो भी बच्चे बताए बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो है नगरे था, तो ये जो 2006 के अनुसार अगर देखा जाए 40% लोग जो है नगरे में था, अभी जो है बहुत ज्यादा ही हो गया। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में जो कौन ओपेक का सदस्य है, ओपेक का सदस्य की अगर बात किया जाए तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है, क्या हो जाएगा वेनेजुएला, बिल्कुल आपको बताना चाहिए। आगे देखिएगा विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं जो है आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन जो है कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होता है, तो वह जो बिल्कुल आपको पता है प्राकृतिक संसाधन, यानी इसका आंसर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में जो सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो भंडारण, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो ये जो होगा आपका यानी जनांकी के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि का उच्च होना, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है शीर्ष संकेत किसको करता है, ये तो जो पिरामिड का चौड़ा आधार और पतला होता शीर्ष संकेत जो करता है वो बढ़ती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को जो है ये संकेत करता है, यानी इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होगा, तो प्रौढ़ आयु वर्ग जो होता है वो 15 से 59 वर्ष का होता है, ठीक है जी, और इसे हम लोग कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग भी कहते हैं, ठीक है जी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास वाला देश की अगर बात किया जाए तो एक नंबर में नॉर्वे है, ये आपको पता है कई सालों से लगातार है, और लेकिन अभी उच्च मानव विकास वाला में नहीं है अगर तो बात किया जाए तो जापान, और भारत में अगर बात किया जाए तो केरल जो है बिल्कुल इसका एक नंबर में आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस जो है प्रकार की कृषि की जाती है, तो वहां जो है शुष्क कृषि की जाती है। यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हीराकुंडा बांध जो है किस नदी पर बना है, तो हीराकुंडा बांध के बारे में आपको बताना चाहिए महानदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? महानदी। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1999 से लेकर 2000 में कुल जो है सिंचित क्षेत्र कितना था, तो ये बिल्कुल आपको पता 8.47 करोड़, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कृषि के प्रकारों में जो है कौन सा प्रकार जो है कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो कर्तन दहन कृषि का अगर प्रकार की बात किया जाए तो आदिकालीन निर्वहन कृषि जो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर जाएंगे। निम्न में से जो है कौन सा कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि जो आपको यानी डेयरी कृषि नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है, सबसे पहले आपको बात किया जाए तो कोयला के कितने प्रकार होता है, तो 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट एंड पीट। अब उसमें से जो अगर हम पूछे आपको क्या यानी काले कार्बन की मात्रा जो है कितना होता है लिग्नाइट में, तो लिग्नाइट में जो होता है 45 से 70% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा भारत में सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी जो है कौन सा है, तो ये गंगा है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस धातु का प्रयोग जो है बिजली के तारों पर आदि बनाने में किया जाता है, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबा इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज यानी कोंझार तथा बोनाई क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है, तो ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए लोहा मिलता है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों